कुख्यात गैंगस्टर है कौशल चौधरी, उसकी वाइफ मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। कार्रवाई अमल में लाई गई है और सराहनीय कार्य करते हुए उन्होंने मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इंचार्ज मानेसर यूनिट है, उन्होंने भी बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। होटल मालिक से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा को गिरफ्तार किया है। मनीषा विदेश में बैठे अपने भाई सौरभ गाडौली के साथ मिलकर गैंग चला रही थी और वर्चस्व स्थापित करने के लिए रंगदारी मांगने के साथ ही होटल पर फायरिंग भी करवा रही थी। मनीषा पर 6 मामले दर्ज हैं और वह जमानत पर जेल से बाहर है। गुड़गांव और हरियाणा के अंदर व अन्य राज्यों के अंदर काफ़ी एक्सटॉर्शन की वारदात जो बढ़ रही थी, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता करी जा रही है। इस संबंध में जो होटल मालिक को 2 करोड़ रुपए की फिरौती गुड़गांव में दी गई थी, उस संबंध में जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है और हमारी राजस्थान पुलिस और गुड़गांव पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करते हुए जो एक कुख्यात गैंगस्टर है कौशल चौधरी, उसकी वाइफ मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्य तौर पर जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स हैं, जो DIG सर सिमरदीप सर हैं, वसीम अकरम सर हैं और प्रिंसिपल DSP स्पेशल टास्क फोर्स और जो इंचार्ज गुड़गांव इकाई के हैं नरेंद्र चौहान, उनके द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और सराहनीय कार्य करते हुए उन्होंने मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो मनीषा को पकड़ने में हमारे साथ डिटेल्स साझा करी गई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो राजस्थान जयपुर रेंज की IG साहब की टीम है, उसमें स्पेशली मुख्य भूमिका निभाई है सचिन शर्मा सब इंस्पेक्टर ने और हमारी जो इंचार्ज मानेसर यूनिट है, उन्होंने भी बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। अब मुख्य तौर पर जो इसकी प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, जो सितंबर माह के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी तौर पर इस तरीके से काफ़ी होटल मालिकों से इस तरीके के एक्सट्रॉशन कॉल्स रिसीव करी गई थी, जिसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ केस रजिस्टर्ड करे गए और कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी पिछले कुछ 2 महीने के अंदर, जो कि कौशल गैंग की ऐसी गतिविधियों को उसके साथ संलिप्त थे और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और इन सभी गतिविधियों पर जो मुख्य जो तौर पर जो कॉन्स्पिरेटर थी वो कौशल की वाइफ मनीषा थी। मनीषा जितने भी इसके कौशल ग्रुप के गैंग के जो हैंचमैन हैं एसोसिएट्स हैं उसको अपने तौर पर संचालित कर रही थी और इसको आम तौर पर जो रूटीन की डायरेक्शंस जो पता चलता था, ये कौशल चौधरी, मनीष चौधरी, अमित डागर वो जेल में बैठे हुए मुलाकात के दौरान व अन्य जो पेशी के दौरान कभी कभार आते हैं तो उनके द्वारा ये जो डिटेल्स साझा करते थे। मुख्य तौर पे ये अब अंतर्राज्य गिरोह ना रहते हुए ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है, पूरा सिंडिकेट है जिसको विदेशों में बैठे हुए इनके कुछ साथी जो ऐसी घटना एक्सट्रोशन की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्य तौर पर जो हमने काफ़ी ऐसे जो उनकी पहचान करी हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं जो उनके साथ इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जैसे कि सौरभ गाडौली, उसमें पवन शौकीन, दिनेश उर्फ गांधी, ऐसे कई और इनके ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, जिसके ऊपर हम इंटरपोल व अन्य दूसरे माध्यमों से भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी जाएगी। मुख्य तौर पर ये जो सितंबर के आसपास की जो घटनाक्रम हुई है, उस दौरान कुछ होटल मालिकों को इनके द्वारा धमकी भरे कॉल्स वगैरह प्राप्त हुए थे और उसी दौरान नीमराना के अंदर भी एक होटल के ऊपर निरंतर काफ़ी हैवी मात्रा में एक फायरिंग करी गई थी। इस संबंध में जो नीमराना पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, वो निरंतर अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है, कार्रवाई कर रही है और काफ़ी लोगों को पकड़ने में, ऐसे सस्पेक्ट्स से उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है।
उसी के दौरान चलते हुए मीनवाइल गुड़गांव पुलिस ने भी कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया और जिसके साथ मुठभेड़ हुई और ऐसे काफ़ी जो इनके हेंचमैन थे जो ऐसी और वारदातों को अंजाम दे सकते थे उनको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। उस दौरान मुठभेड़ भी हुई है, कुछ एनकाउंटर्स भी हुए हैं गुड़गांव पुलिस के साथ, जिसके तहत ऐसी किसी और घटनाक्रम को ये अंजाम देते उससे पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए गुड़गांव पुलिस ने उनको विफल करा है और उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। क्योंकि जब जितनी भी ये वारदातों को जब इंटरसेप्ट करा जा रहा था और ऐसे लोगों को जो इनके हेंचमैन को पकड़ा गया तो उसमें जो मुख्य धारा जो मुख्य तौर पर जो बात सामने आई वो यह सामने आई कि जो मनीषा है यही उन सभी घटनाक्रम को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रही थी, जिसके ऊपर हमारे जो कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा IPS उन्होंने 20,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम रखा और जिसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ACP के मुताबिक पिछले 2 महीने से शिकायत आ रही थी कि होटल मालिकों से रंगदारी मांगी जा रही है। इस मामले में राजस्थान पुलिस और गुड़गांव पुलिस ने मिलकर STF के साथ इस मामले में कार्रवाई की, जिसके बाद आज गुरुग्राम पुलिस की मानेसर अपराध शाखा को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने देवीलाल कॉलोनी से मनीषा को काबू कर उसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। ACP की माने तो मनीषा ही कौशल का पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रही थी। मनीषा ने ही नीमराना, होशियारपुर और पंचकूला में फायरिंग करवाई थी। वह हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने के मामले में जेल जा चुकी है और जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा इसी काम में जुट गई। बाकी आपके क्वेश्चंस कुछ हैं बताइए। सर, क्या पहले भी इसके ऊपर आरोप रहे हैं, इससे पहले भी कभी गिरफ्तारी हुई है, किसी केस में नाम आया है जो आज आपने गिरफ्तार किया? देखिए, पहले मल्टीपल ऐसे एक्सट्रॉशन के केसेस में इसको अरेस्ट करा जा चुका है। जैसे मुख्य तौर पे जो हमारे खांडसा मंडी के ऊपर उधाई का जो एक सिंडिकेट चल रहा था उस दौरान मनीषा को अरेस्ट करा गया था और उसके बाद होशियारपुर में कुछ फायरिंग हुई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी एक मैटर बना था, तो होशियारपुर पंजाब पुलिस ने भी इसको काफ़ी दिन अपनी कस्टडी में रखा था। मीनवाइल जो अब प्राथमिक पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि काफ़ी कपूरथला में जो फायरिंग हुई है, होशियारपुर में जो फायरिंग हुई थी, पंचकूला के अंदर जिस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया है, हम सभी उन तथ्यों के ऊपर, उन सभी आधार के ऊपर इससे अभी पूछताछ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कितने लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं जो कि ऐसे अंतर्राज्यीय तौर पर अलग अलग जो राज्य हैं जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी जगहों पर सक्रिय हैं और इस तरीके की घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। मनीषा इसकी कौशल की सेकेंड वाइफ है और पिछले कुछ समय से निरंतर ये पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही है और मुख्य भूमिका निभाते हुए, क्योंकि जो सौरभ गाडोली है वो मनीषा का सगा भाई है और काफ़ी समय से वो विदेश में बैठकर इस एक्सटॉर्शन नेटवर्क को और फैलाने की कोशिश कर रहा है। मुख्य तौर पर जो सौरभ गाडोली है और दिनेश है और पवन शौकीन है, ये पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इस सभी जगहों पर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और क्योंकि सौरभ गाडोली खुद मनीषा का भाई है तो ये काफ़ी इस तरीके के जो हेंचमैन हैं, इसके इस तरीके से जो एसोसिएट्स हैं उनका ये उपयोग करके ग्राउंड पर इन सभी चीज़ों को एकत्र करके और इस घटनाक्रम को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रही है। सर, अभी तक आपने जैसे बताया कि कई होटल मालिकों के उन्होंने रैनसम के लिए कॉल किया, तो टोटल होटल देखिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, मैं बता रहा हूँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं आपको कुछ नाम नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी काफ़ी जगहों पर इनके कॉल्स निरंतर तौर पर आ रहे थे। लेकिन क्योंकि लगातार गुड़गांव पुलिस, राजस्थान पुलिस और संबंधित पंजाब और दिल्ली की पुलिस सभी इस पर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और सभी मिलकर इस सिंडिकेट को बस्ट करने के लिए कोशिश कर रही है और खासकर मुख्य तौर पर हमारी STF स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा ने बेहतरीन इसमें जो भागीदारी निभाई है और इनको पकड़ने में जिस तरीके से निरंतर हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो हम जल्द से जल्द ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका पूरा सिंडिकेट बस्ट करा जाए। जैसे कि कौशल, अमित डागर और मनीष चौधरी सभी बिहाइंड द बार ऑलरेडी भोंडसी जेल के अंदर हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी इनके हेंचमैन हैं इस तरीके की जो गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जल्द से जल्द उनको भी पकड़ लिया जाए। सर, रंगदारी जो है, ये आपने नीमराना का भी जिक्र किया, गुरुग्राम का जिक्र किया, कौन कौन से राज्य के होटल थे जहाँ से मांगी गई थी?
देखिए, कुछ हरियाणा में हैं, कुछ राजस्थान के अंदर हैं, अन्यथा और भी प्राथमिक तौर पर भी जो हमारे सामने बातें आ रही हैं कि कुछ और जगहों पर भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जा सकते हैं, उनके बारे में अभी हम जानकारी इकट्ठा, क्योंकि अभी इसका 6 दिन का रिमांड हासिल करा गया है मनीषा को अरेस्ट करके, तो उस संबंध में और गहनता से जाँच करी जाएगी, इसकी मोबाइल फॉरेंसिक्स के संबंध में भी जाँच करी जाएगी और सारी जानकारियाँ सामने आएगी, अन्यथा इसके बाद जो दूसरी हम पीसी करेंगे इसके संबंध में उसमें आपको जानकारी देंगे। मनीषा के ऊपर काफ़ी 6 से अधिक ऐसे मुकदमे हैं जो रंगदारी, अटेम्प्ट टू मर्डर और इस तरीके के एक्सट्रॉर्शन संबंधित काफ़ी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके दौरान ये 2019 के अंदर तो एक जो विजय बत्रा तांत्रिक मर्डर हुआ था उसके अंदर 2 साल की लगभग सजा काट के आई थी, 2 साल तक ये कस्टडी में थी, और उसके बाद फिर जो होशियारपुर के अंदर भी फायरिंग हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस वगैरह थे, उसके दौरान भी पंजाब में ये अरेस्ट होके रही, और मीनवाइल हमारा यहाँ पर गुड़गांव के अंदर खांडसा मंडी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा था एक्सट्रॉर्शन का, उस दौरान भी इसको अरेस्ट करा गया था गुड़गांव पुलिस द्वारा, और निरंतर ये प्रयास है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी गैंग से रिलेटेड हो, अगर रंगदारी के संबंध में, एक्सट्रॉर्शन संबंधित, रैंसम संबंधित किसी भी जो घटनाक्रम में अगर संलिप्त पाया जाता है, तो हम निसंकोच ये बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। क्या होटल मालिकों को ही टारगेट करते थे या बाकी लोगों से भी इस तरह रंगदारी मांगते थे? देखिए, अभी तो एक रीसेंट ट्रेंड में ये चीज़ें सामने आई हैं कि ये कुछ होटल मालिकों को इन्होंने धमकी और रैंसम कॉल्स वगैरह करे हैं, अन्यथा ये पहले जैसे खांडसा मंडी में उभाई का इन्होंने पूरा नेटवर्क फैला रखा था, उसको गुड़गांव पुलिस ने, एसटीएफ ने मिलके, एनआईए ने भी मिलके बस्ट किया, काफ़ी एनआईए ने भी ऐसी रेड्स करी और काफ़ी ऐसे लोगों के ऊपर उचित इनाम भी घोषित करा गया था, जैसे संदीप बंदर था उसके ऊपर इनाम था काफ़ी एनआईए की तरफ से, जिसको पकड़ने में गुड़गांव पुलिस ने सफलता हासिल करी थी। इसी तरीके से जो ये नेक्सस बना रखा है, जो सिंडिकेट चलाया जा रहा है, उसकी मुख्य तौर पर जो मनीषा सूत्रधार थी, कॉन्सपिरेटर थी, उसको पकड़ने में जैसे अब हमारी स्पेशल टास्क फोर्स ने, अन्यथा और हमारी गुड़गांव पुलिस, राजस्थान पुलिस ने मिलके इसमें एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। काफ़ी दिन से जैसे ही निमराना के ऊपर ये फायरिंग हुई थी होटल के ऊपर, जब से ही ये एब्सकॉन्डेड थी, भागी हुई थी, और निरंतर पुलिस इसकी सर्च कर रही थी, जिसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त करी है, लेकिन हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इससे ज़्यादा ऐसी जानकारियाँ निकाल के इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, इस संबंध में किसी भी तरीके से इनकी मदद करी, उनको जरूर हम अरेस्ट करेंगे और नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, एक और क्वेश्चन था सर, जैसे आपने मनीषा को कितने दिनों से एक्टिवली काम कर रही थी, अभी तक हमने इनकी गैंग्स के काम करते जो 2 महीने आप सितंबर में करा, कितने लोगों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं? देखिए, मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जिस दौरान हमारी, मैं आपको बताऊं, अगर मनीषा चौधरी काफ़ी महीनों से, जैसे 23-13 एक केस FIR नंबर थी जो खांडसा मंडी में एक्सट्रॉर्शन का केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें इसको अरेस्ट करा गया था, उसके बाद जब से ये बेल पे आई है निरंतर इस तरीके की घटनाक्रमों में संलिप्त है, तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को, जैसे निमराना में पहले फायरिंग कराई गई, उससे पहले भी एक केस रजिस्टर्ड हुआ था जिसके अंदर हमने 4 व्यक्ति विशेषों को पकड़ा था, जो कि निमराना में फायरिंग हुई उससे पहले उस घटनाक्रम को अंजाम देना था, तो उसमें भारी मात्रा में उनके पास वेपन्स, इलीगल वेपन्स पकड़े गए थे, क्योंकि वो इनकी जो प्रयास था वो गुड़गांव पुलिस द्वारा पहले पकड़ी, प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए पहले पकड़े गए, तो वो विफल हो गया, उसके बाद उन्होंने फिर पंजाब की जो गैंगस्टर्स हैं उनके साथ, जो इनके सहयोगी हैं, उनको इन्वॉल्व करके जो निमराना में घटनाक्रम है उसको अंजाम दिलवाया। अभी 11 नवंबर को ही देवीलाल कॉलोनी, जो सेक्टर 9 हमारा पुलिस स्टेशन है, उसके क्षेत्र से इसको अरेस्ट करा गया है, और एसटीएफ द्वारा इसको, इसकी जिसको पकड़ा गया था, और जो इसकी अरेस्टिंग है फिर हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर इंचार्ज ललित की टीम द्वारा करा गया है, और उसमें मुख्य भूमिका, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है, और आमतौर पर जो हमारी निरंतर हमारे संपर्क सूत्र हैं, जैसे कि राजस्थान में भी इस तरीके की घटनाक्रम बढ़ रही हैं, तो राजस्थान पुलिस जो जयपुर रेंज की IG साहब की टीम है, उसमें सचिन शर्मा से मुख्य भूमिका हमारे साथ निरंतर जो डिटेल्स शेयर करते रहे हैं, हमारे जो ललित इंचार्ज हैं वो निरंतर इस गैंग के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे कमिश्नर पुलिस की लीडरशिप में, दिशा निर्देश में, हमारे जो DCP क्राइम सर हैं मोहित हांडा, उनके दिशा निर्देश में ये काम अमल में लाए जा रहे हैं, और ख़ासकर हमारे ACP क्राइम सेकंड मनोज सर हैं, उनके देखरेख में सारे काम हो रहे हैं, तो निरंतर ये प्रयास हैं कि जितने भी इनके हेंचमैन हैं, इनके सिंडिकेट के से जुड़े हुए एसोसिएट्स हैं, जो इनके साथ दूसरे गैंग्स इन्वॉल्व हैं,
उन सभी पर ये मुख्य तौर पर हम अंकुश लगाएं और उन सभी की पहचान करते हुए उनको पकड़ने में सफलता कर। सर कहाँ रह के ऑपरेट करते हैं हम लोग? काफ़ी समय से तो ये, क्योंकि जब ये बेल आउट हुई थी जो खांडसा मंडी की उगाई वाले मैटर से, तो उसके बाद ये काफ़ी समय से गुड़गांव में रह के इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर वो कोई ऐसा केस नहीं था जिसके ऊपर नज़र बनाए, तो उस दौरान ये यहाँ गुड़गांव में रह के इस तरीके की घटनाक्रम को, ये इस तरीके से कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इसको, ये सारी साजिश को बना रही थी। लेकिन मीनवाइल जब एक विजय काली नाम के व्यक्ति विशेष को पकड़ा गया, उससे जब पूछताछ करी गई, तो उसने सारी चीज़ों का खुलासा करा कि किस तरीके से नीमराना का पूरा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने के लिए इसने मुख्य भूमिका निभाई। तो उसमें जो मेन सस्पेक्ट्स जिन्होंने फायरिंग करी वो पंजाब से आए थे, और किस तरीके से वेपन्स उन तक पहुँचे और किस तरीके भारी मात्रा में वेपन्स और एम्यूनिशन उन तक पहुँचाया गया, कितने लोकल लॉजिस्टिक्स में जो सप्लायर्स थे या इस तरीके के अन्य शूटर्स जो निरंतर तौर पर बार बार इस तरीके की घटनाक्रम को प्रयास अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे, तो उस सभी को अगर एज ए होल देखा जाए तो पता चलता है कि मनीषा एक मुख्य धारा में जो कौशल गैंग को ऑपरेट करने के लिए और रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, और जिस संबंध में जो अब ये इसको अरेस्ट करा गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, क्योंकि अभी प्राथमिक तौर पर जल्दबाजी होगी सारी बातें कहना, अभी हमने इसको एक हफ्ते के पुलिस रिमांड पे लिया है, 6 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है, और उस दौरान हम गहनता से इसी बारे में पूछताछ करेंगे कि किस प्रकार से कौशल या अन्य व्यक्ति विशेष इस घटनाक्रम के बारे में इसको जानकारी देते थे, और किसकी मदद से ये सारी इस सिंडिकेट को रन कर रही थी, इस नेक्सस को रन कर रही थी, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये जो इंटरनेशनल गैंग डेवलप होता चला गया है इनका, उसको हम बस्ट करने पे जो हमारी एसटीएफ है अहम भूमिका निभा रही है, और जल्द से जल्द जितने भी हेंचमैन हैं इनके, जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनको पकड़ने में हम निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति विशेष किसी भी माध्यम से इनको किसी भी प्रकार से अगर सपोर्ट कर रहा है, तो उसको ज़रूर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। फिलहाल पुलिस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो रिमांड के दौरान जिन लोगों की भी संलिप्तता इसमें सामने आएगी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।